Good morning, students. You must have heard the name of R.K. Narayan. He has written many successful, many short stories, famous stories. You might have heard about Malgudi Days. Malgudi Days naam ki kitab unki hai, bahut famous hui thi. Uska character Swami bahut famous hua tha. Us pe ek TV series bhi bani hui thi. Aaj hum padhenge unki ek kahani, The Axe, Lesson 5. The Axe. Axe का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है? Follow me. An astrologer passing through the village foretold that villain would live in a three-storied house surrounded by many acres of garden. एक astrologer, foreteller जो भविष्यवाणी करता है, ठीक है? तो एक बार एक भविष्यवाणी करने वाला एक एस्ट्रोलॉजर एक गांव से गुजर रहा था. उस गांव में रहने वाले लड़के वेलन को उसने कहा, वेलन को देखा और वेलन को कहा, वेलन वुड लिव इन अ थ्री स्टोरीज हाउस सराउंडेड बाय मेनी एकर्स ऑफ गार्डन, कि वेलन एक थ्री स्टोरीड हाउस में रहेगा जिसके चारों ओर बड़ा सा गार्डन होगा. ये भविष्यवाणी की एक एस्ट्रोलॉजर ने. At this, everybody gathered round young villain and made fun of him. अब बच्चे जो थे वो सब villain के चारों ओर आ गए और उसका मजाक उड़ाने लगे. Villain जो कि एक बहुत ही poor family से है, एक बहुत ही गरीब family से है, उसके लिए कोई भविष्यवाणी कर रहा है, कोई foretell कर रहा है कि someday he would live in a three-storied house surrounded by many acres of garden. तो बच्चों को हंसी आ गई. They made fun of him. For Koppal did not have a more ragged and godforsaken family than Velen's. क्योंकि कोपल नाम के उस विलेज में शायद ही कोई परिवार इतना गरीब होगा जितना कि वेलन का परिवार. वेलन का परिवार बहुत गरीब था. His father has mortgaged every bit of property he had and worked with his whole family on other people's land in return for a few anas a week. क्योंकि वेलन के पिता ने जो भी संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टी उनके पास थी, वो सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने मॉर्टगेज कर दिया था, गिरवी रख दिया था और दूसरे लोगों की, दूसरी फैमिली की ज़मीन पे काम किया करते थे. उसके बदले उनको कुछ आने मिल जाया करते थे वीकली. अ थ्री स्टोरीज हाउस फॉर वेलन इंडीड. वेलन को तीन मंजिला घर मिलेगा. सब मजाक उड़ाने लगे इस बात पे. बट द स्कॉफर्स वुड हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड द एस्ट्रोलॉजर इफ दे हैड सीन विलन अबाउट 30 or 40 ईयर्स लेटर. पर जो हंसी उड़ाने वाले थे, जो स्कॉफर्स थे, जो मॉकर्स थे, उनको उस ज्योतिषी को बधाई देनी पड़ती अगर उन्होंने 30 से 40 साल बाद विलन को देखा होता. क्योंकि जो भविष्यवाणी उस एस्ट्रोलॉजर ने, उस भविष्यवक्ता ने की थी, वो 30 से 40 साल बाद बिल्कुल सही निकली. ही बिकेम द सोल ऑक्यूपेंट ऑफ कुमार बॉग, दैट पैलेशियल हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मालगुडी टाउन. क्योंकि 30 से 40 साल बाद वेलन बना सोल ऑक्यूपेंट, अकेला निवासी एक बड़े से पैलेशियल हाउस का, एक बड़े से महल नुमा घर का. उस घर का नाम था कुमार बाग. उस घर का नाम था कुमार बाग. उस कुमार बाग नाम के घर का वो अकेला निवासी बना 30 to 40 ईयर्स लेटर. ये तो 30 से 40 साल के बाद की बात है. प्रेजेंटली वेलन बहुत गरीब है. उसके पिता ने सारी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर दिया है और वो दूसरे लोगों के ज़मीन पे काम किया करते हैं जिसके बदले उनको कुछ आने मिलते हैं. When he was 18, Velen left home. Velen सिर्फ 18 साल का था, उसने घर छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया घर? His father slapped his face one day for coming late with the midday meal. Underline कर लीजिए. Velen 18 साल का था, उसने घर छोड़ दिया क्योंकि उसके पिता ने उसको एक तमाचा मारा था. किस चीज के लिए? वो दोपहर का खाना देर से लेके पहुंचा था खेत पे. तो पिताजी नाराज हो गए और उन्होंने एक तमाचा वेलन को लगा दिया.
एंड ही डिड दैट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इन द फील्ड. और सबसे बड़ी बात है, जो तमाचा मारा भी वो किसके सामने मारा? दूसरे लोगों के सामने मारा. बहुत सारे लोग खेत पे मौजूद थे, सबके सामने उस युवा लड़के को एक तमाचा लगा दिया कि तुम खाना देर से लेके आए हो. वेल एंड पुट डाउन द बास्केट ग्लेड एट हिज फादर एंड लेफ्ट द प्लेस. वेलन ने खाने की टोकरी नीचे रखा, ग्लेड एट हिज फादर, गुस्से से घूर के अपने पापा को देखा और वहां से चला गया. He just walked out of the village and walked on and on till he came to the town. वो सिर्फ गांव से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और इतनी दूर तक चलता रहा, अंत में वो कस्बे में, एक टाउन में पहुंच गया. He stopped for a couple of days, begged wherever he could and arrived in Malgudi, where after much knocking about, an old man took him on to assist him in laying out the garden. कुछ दो दिनों तक तो वो भूखा रहा. He starved. उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला. Begged wherever he could, जहाँ वो भीख मांग सकता था वहाँ उसने भीख मांगा. और उसके बाद वो पहुँचा मालगुडी नाम के टाउन में, मालगुडी नाम के कस्बे में, वेयर आफ्टर मच नॉकिंग अबाउट, जहाँ उसने बहुत कोशिशें की, बहुत एफर्ट्स किए, बहुत घरों का दरवाज़ा खटखटाया, तो एक बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड मैन, took him on to assist him in laying out a garden. एक बूढ़े आदमी ने कहा कि चलो मैं बगीचा बना रहा हूँ, तुम मेरी सहायता करना, एज एन असिस्टेंट तुम मेरी हेल्प करोगे. द गार्डन एग्जिस्टेड ओनली इन द माइंड ऑफ द गार्डनर. अब आप पूछेंगे गार्डन था कहाँ? वो तो सिर्फ उस बूढ़े माली के दिमाग में था, गार्डन कहीं नहीं था. What they could see now was acre upon acre of weed-covered land. जो दिख रहा था वो क्या था? एकड़ एकड़, कई एकड़ की जमीन जिसमें सिर्फ जंगली पेड़ पौधे, घास लगी हुई थी और कुछ भी नहीं था वहां पे. Wellen's main business consisted in destroying all the vegetation he saw. जो मुख्य काम दिया गया वेलन को वो सिर्फ ये था कि जो वेजिटेशन तुमको दिख रहा है, जो जंगली घास पौधे जो दिख रहे हैं, सिर्फ इसको उखाड़ते चलो, सिर्फ इसको डिस्ट्रॉय करते चलो. वो बूढ़ा आदमी एक गार्डन बनाना चाह रहा था और वेलन उसकी हेल्प कर रहा था. तो वेलन का काम सिर्फ ये था कि जो भी घास है उसको सिर्फ निकालते चलो. Day after day he sat in the sun and tore up by hand the unwanted plants. Din prati din Wellen baitha rehta tha aur bas jo unwanted plants the, jo jangli paudhe the, unko ukhaadta rehta tha. And all the jungle gradually disappeared and the land stood as bare as a football field. धीरे धीरे वो जो जंगल था वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया और ज़मीन ऐसे क्लीन हो गई, ऐसे साफ हो गई जैसे कि फुटबॉल फील्ड, यानी फुटबॉल का मैदान. Three sides of the land were marked off for an extensive garden and on the rest was to be built a house. उस बड़े से ग्राउंड को तीन हिस्से उसके रखे गए, एक्सटेंसिव, बिग, लार्ज ग्राउंड के लिए, गार्डन के लिए. और जो लास्ट फोर्थ हिस्सा था उस पे एक बड़ा पैलेशियल हाउस बनने वाला था. बाय द टाइम मैंगोज हैड स्प्राउटेड दे वे लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द हाउस. जब तक अब क्लीन कर लिया, अब पौधे लगाने शुरू किए, तो जब तक मैंगोज, आम का जो पौधा था उसमें लीव्स, शूट्स निकलने शुरू हुए, स्प्राउट होना शुरू हुआ, तब तक जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने घर की नींव का काम, फाउंडेशन का काम स्टार्ट कर दिया था. About the time the margosa sapling had shot up a couple of yards, the walls were also coming up. जब तक मार्गोजा, नीम का पौधा जो था, उसका सैपलिंग, उसका यंग ट्री जो था, थोड़ा सा ऊंचा उठा जमीन से, तब तक दीवारें बनना शुरू हो गई थी मकान की. आप देख रहे हैं, एक साइड गार्डन बन रहा है, एक साइड मकान बन रहा है उस बड़े से एरिया में.
द फ्लावर्स हिबिस्कस क्राइसेंथेमम्स जैस्मिन रोजेस एंड कैना इन द फ्रंट पार्ट सडनली क्रिएटेड अ वंडरलैंड वन अर्ली समर. गर्मी के खिलने वाले जितने खूबसूरत फूल हैं, गुलाब हो गया, कैना, हिबिस्कस, ये सारे फूल अचानक, एक गर्मी आई और फूल बिल्कुल सामने जो हिस्सा था गार्डन का वहाँ बेहद खूबसूरत फूल खिलने लगे. वेलन हैड टू रेस विद द ब्रिकलेयर्स. वेलन जैसे कंपटीशन करता था कि ये बिल्डिंग बनाने वाले जितनी तेजी से बिल्डिंग बनाएंगे मैं उतनी तेजी से ही अपने गार्डन को बनाऊंगा. He was now the chief gardener. अब तक वेलन जो था वो मुख्य माली बन चुका था. The old man he had come to assist, having suddenly fallen ill. जिस बूढ़े आदमी को वो assist करने, सहायता करने आया हुआ था, वो अचानक बीमार पड़ गया. तो अब मुख्य माली कौन हो गया? वेलन हो गया. वेलन was proud of his position and responsibility. वेलन अपने पोजीशन के लिए बहुत प्राउड, बहुत उसको गर्व महसूस होता था कि मैं इस गार्डन का मुख्य माली हूँ, चीफ माली हूँ. और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको लगता था कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे ये काम अच्छी तरह से करना है, मुझे गार्डन बढ़िया सेट करके देना है. He keenly watched the progress of the bricklayers and whispered to the plants as he watered them. वो बड़े ध्यान से देखता था कि ये जो ब्रिकलेयर्स हैं, ये जो बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं, ये किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह से इनकी बिल्डिंग जल्दी जल्दी ऊपर जा रही है. और वो अपने प्लांट्स से बातें किया करता था, वो विस्पर करता था, धीरे से बोलता था अपने प्लांट्स के पास. नाउ लुक शार्प यंग फेलोज, द बिल्डिंग इज गोइंग अप एंड अप एवरी डे. इफ इट इज रेडी एंड वी आरंट, वी शैल बी द लॉफिंग स्टॉक ऑफ द टाउन. देखो, ध्यान से देखो, रोज बिल्डिंग तेजी से बढ़ती चली जा रही है. बिल्डिंग बन के तैयार हो गई और हम तैयार नहीं हुए तो सब लोग हमको देख के हंसेंगे. वी शैल बी लाफिंग स्टॉक ऑफ द टाउन. लोग हमको देख के हंसेंगे. ही हीप्ड मैन्योर, अंडरलाइन करेंगे. ही हीप्ड मैन्योर, एयर द रूट्स, ट्रिम द ब्रांचेस एंड वाटर द प्लांट ट्वाइस अ डे एंड ऑन द होल गेव एन इंप्रेशन ऑफ हसलिंग नेचर. And nature seemed to respond. उसके पौधे बहुत जल्दी डेवलप हो, ज़्यादा तेजी से बढ़ें, इसलिए खूब सारी खाद, मैन्योर, खाद डाला करता था. एड द रूट्स, पौधों को मिट्टी को थोड़ा सा लूज करने के लिए किनारे खोदते हैं ना, एयरिंग करना, जिससे रूट्स जो है तक हवा जाए, ऑक्सीजन जाए. ट्रिम द ब्रांचेस, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी उसको ट्रिम कर दिया करता था. एंड वाटर द प्लांट्स ट्वाइस अ डे, दिन में दो बार पौधों में पानी डाला करता था जिससे तेजी से पौधे बढ़ते जाएं. एंड ऑन द होल गेव एन इंप्रेशन ऑफ हसलिंग नेचर, ऐसा लगता था कि वो प्रकृति से चाह रहा है कि क्विकली उसके पौधे डेवलप हो, बहुत तेजी से बढ़े, बहुत हड़बड़ी है उसको. एंड नेचर सीम टू रिस्पॉन्ड, और ऐसा लग रहा था कि प्रकृति उसकी इस जल्दबाजी को, उसकी इस क्विकनिंग को सपोर्ट कर रही थी. पौधे भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे. फॉर ही डिड प्रेजेंट अ गुड साइज गार्डन टू हिज मास्टर एंड हिज फैमिली व्हेन दे केम टू ऑक्यूपाई द हाउस. जब उस घर के मालिक और उनका परिवार उस घर में रहने के लिए आया तो एक अच्छा खासा गार्डन रेडी हो चुका था. द हाउस प्राउडली हेल्ड अप अ डोम, घर के ऊपर में बड़ा सा गुंबद था, डोम था. बालकनीज विद इंट्रिकेटली कार्व्ड वुडवर्क हंग डाउन फ्रॉम द साइड्स ऑफ द हाउस. बालकनीज थी सामने छत के ऊपर में, जो ओपन हिस्सा रहता है, ओपन एरिया, और उसमें वुडवर्क जिसमें कार्विंग की गई थी, नक्शेकारी की गई थी लकड़ी के ऊपर में, वो सब दोनों साइड्स में घर में लगी हुई थी. स्मूथ राउंडेड पिलर्स, गोल चिकने खंबे, डीप वरांडास, बड़े बड़े वरांडा, बरामदे, चेकर्ड मार्बल फ्लोर, चौकोर मार्बल के बड़े बड़े पत्थर. And spacious halls ranged one behind the another. और एक के बाद एक बड़े बड़े हॉल बने हुए थे, माने घर बहुत ही सुंदर था, महल नुमा घर था. And gave the house such an imposing appearance that Velen asked himself, can any mortal live in this? इतना इम्प्रेसिव उस घर का लुक था, इतना सुंदर वो घर देखने लग गया था कि वेलन अपने से पूछता था स्वयं से कि कोई मनुष्य ऐसे घर में रहता है. I thought such mansions existed only in Swarglok. ऐसे mansion, ऐसे महल तो सिर्फ स्वर्गलोक में होते हैं. इतना बड़ा घर, ना सुंदर.
When he saw the kitchen and the dining room, he said, Why? Our whole village could be accommodated in the eating place alone. इतना बड़ा किचन, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल, हमारा तो पूरा का पूरा गांव इसके अंदर आ जाएगा। वेलन ने कभी उतना बड़ा घर देखा नहीं था। The house builder's assistant told him, अब जो house builder था, जो घर बना रहे थे, जो ठेकेदार लोग थे, उसके सहायक ने वेलन को बताया, We have built bigger houses than this. Things costing nearly 2 lakhs. इससे भी बड़े बड़े घर हम लोग बनाते हैं, लगभग 2 लाख में बन जाते हैं इससे बड़े घर। What is this house? ये घर तो कुछ भी नहीं है। It has hardly cost our master 1 lakh rupees. मुश्किल से 1 लाख में बन गया होगा तुम्हारे मालिक का ये घर। It is just a little more than an ordinary house. That is all. एक सामान्य घर से थोड़ा सा बड़ा है, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं। After returning to his hut, Wellan sat a long time trying to grasp the vision. जब ये बात सुन के वेलन घर आया, वो सोचने लगा, इसको बोलते हैं कि ये साधारण घर से थोड़ा सा बड़ा घर है, इससे बड़ा घर बनता है कैसा दिखता होगा। उसके विजन में ही नहीं आ रहा था कि इससे बड़ा और इससे खूबसूरत घर भी हो सकता है क्या। Trying to grasp the vision, scope and calculation of the builders of the house, but he felt dizzy. उसको सोचते-सोचते वो confused हो गया, उसको चक्कर आने लगा, इससे बड़ा घर कैसा होता होगा, कैसा दिखता होगा, वो imagine ही नहीं कर पा रहा था। He went to the margosa plant, gripped its stem with his fingers and said, Is this all you, scraggy one? तुरंत अपने गार्डन में गया, वहाँ नीम के पौधे को पकड़ा, तना से पकड़ के हिलाया, बस इतने दुबले पतले हो तुम, thin हो, scraggy हो। What have you waved your head so above mine? तुम मुझसे लंबे हो तो क्या हुआ? तुम तो इतने दुबले पतले हो, कमजोर से हो। What if you wave your head so high above mine? I can put my fingers around you and shake you up like this. ये देखो मैं अपनी उंगली पकड़ के तुमको हिला दे रहा हूँ। कमजोर हो तुम? Grow up, little one. Grow up. Have a trunk which 2 pairs of arm can't hug and go up and spread. इतने बड़े हो जाओ, इतने चौड़े हो जाओ। अभी मैं तुमको उंगली से हिला रहा हूँ, मैं अपनी बाहों से भी तुमको ना पकड़ सकूँ, इतने चौड़े और इतने फैल जाओ। खूब लंबे हो, खूब चौड़े हो और दूर तक फैल जाओ। Be fit to stand beside this palace, otherwise I'll pull you out. इस इतने बड़े महल के सामने खड़े होने के लायक बनो, वरना मैं तुमको खींच के उखाड़ के फेंक दूंगा। किसको बोलता है? नीम के पौधे को। कौन बोलता है? वेलन। When the margosa tree came up approximately to this vision, the house had acquired a mellowness in its appearance. और जैसा वेलन ने सोचा था कि इतना लंबा चौड़ा बड़ा सा नीम का पेड़ हो जाए, तब तक घर के अपीयरेंस में, घर जो दिखता था उसमें थोड़ी सी मेलोनेस आ गई थी, मैच्योर दिखने लग गया था हाउस। सक्सेसिव समर्स एंड मॉनसूनस हैड रॉब्ड द पेंट्स ऑन द डोर्स एंड विंडोज एंड वुडवर्क ऑफ देयर ब्राइटनेस एंड द वॉल्स ऑफ देयर ओरिजिनल कलर and had put in their place tint and shades of their own choice. लगातार पड़ने वाली गर्मियाँ, बारिश ने दरवाजे खिड़कियों का पेंट उतार दिया था। जो लकड़ी के वुडवर्क लगे हुए थे, अब उनकी ब्राइटनेस कम होने लगी थी। दीवारों के जो ओरिजिनल कलर थे, वो थोड़े डिम, डल होने लगे थे। और गर्मी और बारिश ने अपने पसंद के रंग अब दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों में डाल दिए थे। रंग फेड होते चले जाते हैं। एंड दो द हाउस हैड लॉस्ट इट्स रेस्प्लेंडेंस, इट हैड नाउ अ मोर ह्यूमन लुक। हालांकि घर की चमक थोड़ी सी कम हो गई थी, उसकी रेस्प्लेंडेंस, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब वो घर मनुष्यों के रहने लायक लग रहा था। पहले तो ऐसा लगता था कि ये देवी देवताओं, भगवान का स्वर्गलोक है। Hundreds of parrots and mynah, an unnamed bird lived in the branches of the margosa. And under its shade, the master's great-grandchildren and younger grandchildren played and quarreled. सैकड़ों तोते, मैना और ऐसी चिड़िया जिनका नाम भी नहीं पता, वो अब नीम की ब्रांचेस में, नीम के पेड़ की शाखाओं में बैठी रहती थी और उनकी छाया के नीचे, उनके शेड के नीचे ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन, ये लोग खेला करते थे और झगड़ते थे, क्वारल करते थे। द
द मास्टर वॉकड अबाउट लीनिंग ऑन अ स्टाफ. मास्टर, अब मालिक जो थे वो बूढ़े हो चुके थे, तो वो लकड़ी पकड़ के चला करते थे, लीन करके चला करते थे लकड़ी पे. द लेडी ऑफ द हाउस हु हैड लुक्ड सच अ ब्लूमिंग क्रीचर ऑन द इनॉग्रेशन डे वॉज श्रंकन एंड ग्रे एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन एन इनवैलिड चेयर इन द वरांडा गेजिंग एट द गार्डन विद डल आइज. और जो लेडी ऑफ द हाउस, जो उस घर की मालकिन थी, जो उस घर के इनॉग्रेशन के दिन, जो उस घर के उद्घाटन के दिन सच अ ब्लूमिंग क्रीचर, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी लग रही थी, एकदम चमकदार लग रही थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी और अधिकांश समय एक इनवैलिड की कुर्सी में, एक अपाहिज की कुर्सी में खामोशी से बैठी रहती थी, बस गार्डन को डल आइज से देखती रहती थी अपने गार्डन को. विलन हिमसेल्फ वॉज मच चेंज्ड. सबकी एज बढ़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि विलन की नहीं बढ़ेगी. विलन भी बहुत बदल चुका था. नाउ ही हैड टू डिपेंड मोर अपॉन हिज असिस्टेंट्स टू कीप द गार्डन इन शेप. विलन चेंज हो चुका था और विलन को अब अपने गार्डन को शेप में रखने के लिए, अपने गार्डन को अच्छा बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ती थी अपने असिस्टेंट्स की, अपने सहायकों की. He had lost his parents, his wife and 8 children out of 14. Velen ke mata pita nahi rahe, uski patni nahi rahi, 14 mein se 8 bacche nahi rahe. He had managed to reclaim his ancestral property which was now being looked after by his sons-in-law and sons. किसी तरह से उसने कोशिश करके अपनी जो पूर्वजों की जमीन जायदाद थी उसको हासिल कर लिया था. ही गॉट इट बैक. और अब उस एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों की संपत्ति की देखभाल उसके दामाद और उसके बेटे किया करते थे. ही वेंट टू द विलेज फॉर पोंगल, न्यू ईयर्स एंड दीपावली एंड ब्रॉट बैक विद हिम वन और द अदर ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ होम ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड. पोंगल के समय, पोंगल इन लोगों का त्यौहार होता है साउथ इंडियंस का, न्यू ईयर और दीपावली के समय ये अपने घर जाया करता था. और जब वो वहाँ से वापस आता था तो अपने किसी भी ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने किसी भी नाती पोते को, जिसको वो सबसे ज़्यादा पसंद करता था, उसको अपने साथ लेकर आ जाता था. विलन वॉज परफेक्टली कंटेंटेड एंड हैप्पी. विलन बहुत खुश था, बिल्कुल कंटेंटेड था, सेटिस्फाइड था अपने लाइफ से. ही डिमांडेड नथिंग मोर ऑफ लाइफ. अब उसे ऐसा लगता था कि उसको जिंदगी से, जीवन से अब कुछ नहीं चाहिए. As far as he could see, the people in the big house too seemed to be equally at peace with life. और उसको ऐसा लगता था कि ये बड़े घर में रहने वाले लोग भी अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं, बहुत शांति से अपना जीवन जी रहे हैं. One saw no reason why these good things should not go on and on forever. ऐसा लगता था कि ये जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं, विलन भी अपनी लाइफ से खुश है, जो लोग उस घर में रहने वाले हैं वो भी अपनी लाइफ से खुश हैं, ये हमेशा इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं चलती, हमेशा इस तरह क्यों नहीं चल सकता. But death peeped around the corner. परंतु अचानक मौत ने दस्तक दी, एक कोने से मौत आई. From servant's quarter, whisper reached the gardener in his hut that master was very ill and lay in his room downstairs. The bedroom upstairs, so laboriously planned, had to be abandoned with advancing age. नौकरों के कमरे से होती हुई खबर पहुंची माली के पास, यानी विलन के पास में, कि उनके मालिक काफी बीमार हैं, काफी ill हैं. और ऊपर वाला कमरा जिसको उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया था कि उसमें वो रहेंगे, उस रूम को छोड़ के अब नीचे के कमरे में रहने आ गए हैं, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना काफी मुश्किल हो गया था. डॉक्टर्स एंड विजिटर्स वे कॉन्स्टेंटली कमिंग एंड गोइंग एंड विलन हैड टू बी मोर देन एवर ऑन गार्ड अगेंस्ट फ्लावर पकर्स. डॉक्टर्स एंड विजिटर्स, लगातार डॉक्टर और मेहमान विजिटर्स देखने आते थे मालिक को, और विलन को बहुत ज़्यादा गार्ड पे रहना होता था, बहुत ज़्यादा सुरक्षा पे रहना होता था अगेंस्ट फ्लावर प्लकर्स. फ्लावर को प्लक करने वाले, फूल तोड़ने वाले, कोई भी आया गार्डन से फूल तोड़ लिया तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, तो विलन को ये चीज़ देखनी पड़ती थी कि कोई फूल तोड़ के ना ले जाए. वन मिडनाइट ही वॉज अवेकन एंड टोल्ड दैट द मास्टर वॉज डेड. एक मध्य रात्रि को उसे जगाया गया और बताया गया कि मास्टर नहीं रहे.
व्हाट इज टू हैपन टू द गार्डन एंड टू मी? वेलन सोचने लगा, अब क्या होगा मेरा और गार्डन का? वेलन को जैसे ही पता चला कि उसके मालिक नहीं रहे, वेलन के दिमाग में पहली ये बात आई, अब मेरा क्या होगा और गार्डन का क्या होगा? कौन सा ऐसा कारण था कि वेलन के दिमाग में ये बात आ गई, व्हाट इज टू हैपन टू द गार्डन एंड टू मी? द सन्स वेर नॉट गुड, ही थॉट एट वंस. अचानक उसको लगा कि उसके मालिक की डेथ के बाद में मालिक के बेटे इतने अच्छे नहीं थे जो उस गार्डन और वेलन की देखभाल कर सकते और उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते. तो जैसे ही मालिक की डेथ हुई, वेलन के दिमाग में तुरंत एक डाउट आ गया कि अब मेरे गार्डन का क्या होने वाला है और मेरा क्या होने वाला है. एनिस फियर्स प्रूव टू बी नॉट एंटायरली ग्राउंडलेस. और जो डर, जो फियर वेलन के मन में आया, वो पूरी तरह से ग्राउंडलेस नहीं था. द सन्स वेर नो गुड रियली. उस मालिक के बेटे वास्तव में अच्छे नहीं थे. दे स्टेड फॉर अ ईयर मोर, क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स एंड वेंट अवे टू लिव इन अनदर हाउस. एक साल तक अपने फादर की डेथ के बाद बच्चे वहां पर रहे, उनके बेटे वहां पर रहे. फिर उनमें आपस में कुछ टेंशन हुआ, आपस में कुछ क्वारल हुआ और वो उस घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में रहने चले गए. अ ईयर लेटर सम अदर फैमिली केम इन एज टीनेंट्स. एक साल बाद में एक दूसरा परिवार वहां पर आया, किराएदारों की तरह से, टीनेंट्स की तरह से. द मोमेंट दे सॉ वेलन दे सेड. और जिस क्षण जो किराएदार थे वो आए उस घर में रहने के लिए, जैसे ही उन्होंने वेलन को देखा तो बोलते हैं, ओल्ड गार्डनर डोंट बी अप टू एनी ट्रिक्स. अच्छा, बूढ़े माली हो, कोई ट्रिक्स मत करना, कोई शरारत मत करना. वी नो द सॉर्ट यू आर. हम जानते हैं तुम लोग कैसे होते हो. अब वेलन जैसा आदमी जो इतना स्वामी भक्त था, इतना फेथफुल था, उसको कोई इस तरह से इंसल्ट करेगा तो उसको कैसा लगेगा? टीनेंट्स तो जानते नहीं थे, उन्होंने गार्डनर को गार्डनर की हैसियत से समझा और उस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया. वेलन फेल्ट वेरी इंसल्टिंग. वील सैक यू इफ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ. हम तुमको डिसमिस कर देंगे, सैक कर देंगे अगर तुम ठीक से नहीं रहे तो. वेलन फाउंड लाइफ इनटॉलरेबल. वेलन को अपनी जिंदगी इनटॉलरेबल लगने लगी, असहनीय लगने लगी. दीज पीपल हैड नो रिगार्ड फॉर गार्डन. ये जो लोग आए थे, जो टीनेंट्स आए थे, इनको गार्डन के लिए कोई रिगार्ड नहीं था, कोई सम्मान नहीं था कि पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं. अंडरलाइन करेंगे, दे वॉक्ड ऑन फ्लावर बेड्स. किस तरह से गार्डन के लोग इंसल्ट किया करते थे. फ्लावर बेड्स होते हैं बेटा, छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसमें फूल पूरे बिछे हुए रहते हैं. ऐसा लगता है देखने से कि आप फूलों का बिछौना बना हुआ है. तो फ्लावर बेड्स पे यूजुअली नहीं चलते हैं. तो ये जो टीनेंट्स आए थे, ये फ्लावर बेड्स पे चलते थे. चिल्ड्रन क्लाइम द फ्रूट ट्रीज एंड प्लक्ड अनराइप फ्रूट्स. बच्चे फ्रूट ट्रीज पे चढ़ जाया करते थे और जो कच्चे फल होते थे, अनराइप फ्रूट्स होते थे, उनको तोड़ लिया करते थे. एंड दे डग पिट्स ऑन द गार्डन पाथ्स. और वो लोग गार्डन का जो पाथ होता है, बीच में चलने वाला रास्ता, उसमें गड्ढे खोद दिया करते थे. अब गार्डन पाथ्स पे गड्ढे खोदेंगे तो चलने वाला गिरेगा कि नहीं गिरेगा? वेलन हैड नो करेज टू प्रोटेस्ट. अब चूंकि वो लोग मालिक होके आए थे, किराएदार ही थे, पर एज गुड एज मास्टर, मास्टर के तरह से ही ट्रीट करना है. तो वेलन के पास में साहस ही नहीं था कि वो ऐसे लोगों का विरोध कर सके, प्रोटेस्ट कर सके. They ordered him about, sent him to errands, made him wash the cow and lectured to him on how to grow a garden. हर तरह से विलन की इंसल्ट करते थे, खूब सारे ऑर्डर्स देते थे, ये करो ये करो ये करो. Sent him to errands, बाजार दौड़ाते थे, जाओ ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके आओ. Made him wash the cow, जाओ गाय को नहलाओ धुलाओ. और साथ ही साथ उनको लेक्चर दिया करते थे कि तुमको क्या आता है माली, हम तुमको सिखाते हैं कि गार्डन कैसे बनाया जाता है, गार्डन में पौधे कैसे लगाए जाते हैं. ही डिटेस्टेड द होल बिजनेस एन ऑफल थॉट ऑफ थ्रोइंग अप हिज वर्क एंड रिटर्निंग टू हिज विलेज. वेलन को इतना खराब लगता था कि वो नफरत करने लगा इन सारी चीजों से,
कई बार उसने सोचा कि मैं यहाँ का काम धंधा छोड़ के कहीं चला जाता हूँ अपने गाँव वापस. बट द आइडिया वॉज अनबेरेबल, पर ये आइडिया जो था वो अनबेरेबल था, असहनीय था. He couldn't live away from his plants. वो अपने प्लांट्स से दूर नहीं रह सकता था. Fortune, however, soon favored him. और किस्मत ने, भाग्य ने विलन का साथ दिया. The tenants left. जो किराएदार आए थे वो चले गए. The house was locked up for a few years. कुछ दिनों तक वो घर जो था वो लॉक रहा, बंद रहा. Occasionally, one of the sons of the late owner came round and inspected the garden. कभी कभी उसके जो पुराने मालिक थे उनके बेटे आते थे, आके घर को देखते थे, गार्डन को देखते थे. And gradually even this ceased. धीरे धीरे, slowly ये भी चीज़ें बंद हो गई कि पुराने मालिक का कोई बेटा आ रहा है, देख के जा रहा है, ये भी सब प्रैक्टिस बंद हो गई. They left the keys of the house with Velen. उन्होंने घर की चाबी किसको दे दी? वेलन को दे दी. Occasionally a prospective tenant came down and had the house open and went away after remarking that was in ruins. Plaster was falling off in flakes, paint on doors and windows remained only in a few small patches, and white ants were eating away all the cupboards and shelves. कभी कभी कोई संभावित किराएदार, कोई prospective tenant आता था, घर को खुलवाता था, ओपन करवाता था, देखता था, फिर कमेंट करता था, अरे इसका तो प्लास्टर गिर रहा है पूरा, जो दरवाजे खिड़कियों का पेंट है वो सिर्फ छोटे छोटे फ्लेक्स के रूप में निकल रहा है, और जितना जो वुडवर्क है, जो लकड़ी का काम किया गया है, उसको सफ़ेद चींटियां यानी कि दीमक सब खा रही हैं. A year later, another tenant came and then a third. एक साल बाद में एक किराएदार आया, दूसरा आया, तीसरा आया. No one remained for more than a few months. कोई भी कुछ महीनों से ज़्यादा उस घर में नहीं रुका. And then the house acquired the reputation of being haunted. उसके बाद उस घर की रेपुटेशन बन गई, उस घर के बारे में लोग कहने लगे कि वो हॉन्टेड है, वहाँ भूत रहते हैं. अब कोई नहीं रह रहा था उस घर में, तो एक अच्छा खासा घर, उसको हॉन्टेड हाउस नाम दे दिया गया. Even the owners dropped the practice of coming and seeing the house. यहाँ तक कि जिनका ओरिजिनली घर था मालिक, वो भी उस घर को आके देखना बंद कर दिए. Velen was very nearly the master of the house now. Velen लगभग खुद ही उस घर का मालिक बन गया. The keys were with him. चाबी उसी के पास थी. He was also growing old. Velen भी बूढ़ा हो रहा था. Although he did the best, grass grew on garden paths, weeds and creepers strangled the flowering plants in the front garden. Velen कोशिश करता था कि कितना वो मेंटेन कर ले उस घर को और उस गार्डन को, लेकिन जो गार्डन पाथ था, जहाँ गार्डन में चलने की जगह थी, वहाँ घास उगाया करती थी, जंगली घास, पेड़ पौधे लगने लगे, अनवांटेड प्लांट्स आने लगे, क्रीपर्स स्ट्रैंगल द फ्लावरिंग प्लांट्स इन फ्रूट फ्रंट गार्डन. क्रीपर्स बेल होती है बेटा, ये बेल चढ़ जाती है जिस पौधे के ऊपर, उसको टाइट कस देती है, वो पौधा सूखने लगता है. तो क्रीपर्स जो थे वो फ्लावरिंग प्लांट्स को स्ट्रैंगल कर देते थे, उसमें बेल आ जाती थी. द फ्रूट ट्रीज यील्डेड देयर लोड्स पंक्चुअली. लेकिन जो फ्रूट ट्रीज थे वो बराबर फल दे रहे थे, भले ही गार्डन उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा था, इट वॉज नॉट इन इट्स ओरिजिनल शेप, लेकिन फ्रूट ट्रीज का जो काम था फल देना, वो बिल्कुल लगातार पंक्चुअली फल दिया करते थे. द ओनर लीज्ड आउट द होल ऑफ फ्रूट गार्डन फॉर 3 years. जो मालिक थे उन्होंने 3 साल के लिए अपने फ्रूट गार्डन को लीज पे दे दिया था कि आप फल निकालो, बेचो तोड़ के, और उसका जो भी पैसा आएगा वो हमको दीजिएगा. Velen was too old. Velen काफ़ी बूढ़ा हो चुका था. His hut was leaky. उसकी जो हट थी, उसकी जो झोपड़ी थी, वो लीक होने लग गई थी, ऊपर से उससे पानी टपकने लग गया था. And he had no energy to put up a new thatch. और Velen इतना बूढ़ा हो चुका था कि नया thatch, नया ऊपर रूफ बना सके वो अपने हट का, इतनी एनर्जी उसके पास नहीं थी. सो ही शिफ्टेड हिज रेजिडेंस टू द फ्रंट बरांडा ऑफ द हाउस. तो Velen ने अपनी झोपड़ी छोड़ दी और वो
उस घर के सामने वाले वरांडा में बरामदे में आके रहने लगा. इट वॉज अ डीप वरांडा रनिंग ऑन थ्री साइड्स पेव्ड विद चेकर मार्बल्स. बहुत बड़ा सा बरामदा था तीन तरफ से और उसमें चेकर्ड मार्बल चौकोर मार्बल के पत्थर लगे हुए थे. द ओल्ड मैन सॉ नो रीजन व्हाई ही शुड नॉट लिव देयर. ही हैड एज गुड अ राइट एज द बैट्स एंड द रैट्स. बूढ़ा विलन सोचता है मैं क्यों नहीं रह सकता इस घर में, जितना हक इस घर में बैट्स और रैट्स को रहने का है. चूहे और चमगादड़ अगर इस घर में रह सकते हैं, व्हाई नॉट आई, मैं क्यों नहीं. When the mood seized him, about once a year, he opened the house and had the floor swept and scrubbed. जब उसको एकदम उसका मूड होता था कि अब मुझे कुछ काम करना है, तो वो घर को खोलता था और पूरे घर के फर्श की अच्छे से सफाई करता था, झाड़ू करता था, पोछा करता था, क्लीन करता था. But gradually he gave up this practice. पर धीरे धीरे उसने ये काम बंद कर दिया. He was too old to bother about these things. वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि अब इन चीज़ों के बारे में वो सोच के परेशान नहीं हो सकता था. अब इतना एनर्जी उसमें नहीं बाकी थी कि इतने बड़े घर का झाड़ू पोछा करे, उसको स्क्रबिंग करे, क्लीन करे. Years and years passed without any change. एक के बाद दूसरा साल बीतता चला गया, कोई परिवर्तन नहीं आया. It came to be known as the ghost house. और उस घर के बारे में लोग ghost house उसका नाम दे दिया लोगों ने कि ये भूता घर है. ghost यानी भूत. And people avoided it. लोग उसे avoid करने लगे. लोग नहीं जाते थे उस घर की ओर. Velen found nothing to grumble about in this state of affairs. Velen के लिए तो अच्छा ही था, उसको कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं थी. नहीं आते हैं लोग, मत आए. घोस्ट हाउस मानते हैं माने, क्या फर्क पड़ता है. इट सूटेड हिम एक्सेलेंटली, उसके लिए तो बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है. वंस अ क्वार्टर ही सेंट हिज सन टू द ओल्ड फैमिली इन द टाउन टू फेच हिज वेजेस. तीन महीने में एक बार वो अपने बेटे को मालिकों के पास भेजता था कि उसकी तनख्वाह लेके आ जाए. देयर वॉज नो रीजन वाई दिस शुड नॉट हैव गॉन ऑन इनडेफिनेटली. और ऐसा लगता था कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है कि ये अच्छी चीजें चलती रहे हमेशा. बट वन डे अ कार साउंडेड इट्स ऑन एंग्रीली एट द गेट. पर एक दिन एक कार आई और उसने बहुत बड़ी तेजी से हॉर्न बजाया गेट पे आके. Velen hobbled up with the keys. Velen हड़बड़ा के keys लेके जल्दी से बाहर निकला. Have you the keys? Open the gate. Commanded someone in the car. जो भी उस कार में था उसने command किया, order दिया. तुम्हारे पास में चाबी है? Gate खोलो. There is a small side gate, said Velen meekly. बड़े meekly, बड़े शांति से Velen ने कहा, एक small side gate है, छोटा gate है उससे. Open the big gate for the car. जो कार में बैठा था उसने order दिया, बड़ा gate खोलो, कार अंदर जाएगी. Velen had to fetch a spade and clear the vegetation which had blocked the entrance. Velen को स्पेड लेके जो वेजिटेशन था उस बड़े वाले गेट के सामने उसको क्लियर करना पड़ा, साफ करना पड़ा, जो पेड़ पौधे वहां पे लगे हुए थे, क्योंकि कार आने का रास्ता चाहिए था. The gate opened on rusty hinges, creaking and groaning. गेट के जो हिंजेस थे जहां से गेट टाइट हुआ था, कसा गया था गेट को, वो पूरे रस्टी हो चुके थे, उसमें पूरा जंग लग गया था. तो जब गेट को खोला गया तो साउंड करता हुआ, क्रीक ग्रोन साउंड, ची ऐसे आवाज करता है ना गेट जब उसमें जंग लग जाता है, तो उस तरह से गेट ओपन हुआ, खुला. They threw open all the doors and windows, went through the house keenly examining every portion and remarked. जो लोग आए थे कार में बैठ के, उन लोगों ने हर दरवाजे और खिड़की को खोल दिया और घर के एक एक हिस्से को बड़े ध्यान से बहुत कीनली ऑब्जर्व करने लगे और रिमार्क किया, डिड यू नोटिस द क्रैक्स ऑन द डोम. तुमने देखा वो बड़ा वाला गुंबद है, डोम है, उसमें क्रैक आ चुका है. द वॉल्स टू आर क्रैक्ड. इस घर की जो दीवारें हैं वो भी क्रैक हो चुकी हैं. देयर इज नो अदर वे. अब तो कोई रास्ता नहीं दिखता. If we pull down the old ramshackle carefully, we may still be able to use some of the materials, though I am not at all certain that the wooden portion are not hollow inside. अगर हम इस ramshackle को, ramshackle का मतलब
ओल्ड एंड शेकी हाउस, पुराना घर जो खंडहर हो चुका है, जो किसी भी समय गिर सकता है, उसको रैमशैकल बोलते हैं। तो ये रैमशैकल जो है, इसको हम बड़े ध्यान से अगर गिराएं, डिसमेंटल करें, तो हो सकता है कि हम इसमें जो लगा हुआ मटेरियल है, उस मटेरियल को हम रीयूज कर सकें, दोबारा इस्तेमाल कर सकें। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो वुडवर्क है, जो वुडन पोर्शन है, वो अंदर से खोखला नहीं हुआ होगा, क्योंकि वाइट एंड्स हैं, दीमक है, वो सब अंदर से उसको क्या कर दी होंगी, खोखला कर दी होंगी। Heaven alone knows what madness is responsible for people building houses like this. पता नहीं लोग ऐसा क्या पागलपन में इस तरह का बड़ा बड़ा घर बनाते हैं। They went round the garden and said, we have to clear every bit of this jungle. All this will have to go. पहले तो उन्होंने घर देखा, उसके बाद उन लोगों ने गार्डन देखा, और गार्डन देख के बोले, अच्छा ये जंगल, ये पूरा जंगल, गार्डन को जंगल बोल दिया, इस पूरे जंगल को क्लीन करना पड़ेगा। All this will have to go. ये सबको तो काटना ही पड़ेगा। Some mighty person looked well and up and down and said, you're the gardener, I suppose. कोई प्रभावशाली व्यक्ति लग रहा था, वो विलन के पास गया, विलन को देखा ऊपर से नीचे तक, बोलता है, अच्छा तुम माली हो ना? We have not much use for a garden now. अब हमको गार्डन की जरूरत नहीं है, ना हमको माली चाहिए और ना हमको ये बगीचा चाहिए। All the trees except half a dozen on the very boundary of the property will have to go. जो लगभग एक डजन पेड़ हैं, जो बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, उनको छोड़ के ये बीच में जितना गार्डन है, ये सब क्लियर हो जाएगा, हमको नहीं चाहिए ये। वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट स्पेस, हम जगह बर्बाद नहीं कर सकते। दिस फ्लावर गार्डन, इट इज ओल्ड फैशन एंड क्रूड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द फ्रंट पोर्शन ऑफ द साइट इज टू वैल्यूएबल टू बी वेस्टेड। और ये जो फूलों का बगीचा है सामने, ये तो बहुत पुराने तरीके से बनाया है, और इसको स्किलफुली बनाया भी नहीं गया है, क्रूड है एकदम। और फिर सामने का हिस्सा तो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, तो हम इसको बर्बाद नहीं कर सकते, ये सब काटना पड़ेगा। अ वीक लेटर वन ऑफ द सन्स ऑफ हिज ओल्ड मास्टर केम एंड टोल्ड वेलन, एक हफ्ते बाद उनके पुराने मालिक का एक बेटा वेलन के पास आया और बोला, यू विल हैव टू गो बैक टू योर विलेज ओल्ड फेलो, बूढ़े आदमी आपको अपने गांव वापस जाना पड़ेगा। द हाउस इज सोल्ड टू अ कंपनी, अंडरलाइन करेंगे, द हाउस इज सोल्ड टू अ कंपनी, इस घर को एक कंपनी को बेच दिया गया है। दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ गार्डन, वो लोग गार्डन नहीं रखना चाहेंगे, उनको गार्डन नहीं चाहिए। दे आर कटिंग डाउन इवन द फ्रूट ट्रीज, यहाँ तक कि वो लोग फलदार वृक्षों को भी काट देंगे। दे आर ऑफरिंग कंपनसेशन टू द लीज होल्डर, हमने जिनको किराए पर दिया हुआ था फलों के जो पेड़ हैं, उनको वो कंपनसेट करेंगे, उनको वो पैसे दे देंगे उसके बदले। दे आर वाइपिंग आउट द गार्डन, सब कुछ गार्डन का जो भी पेड़ पौधे हैं उसको वाइप आउट कर देंगे, सबको मिटा देंगे, हटा देंगे। एंड पुलिंग डाउन इवन द बिल्डिंग, यहाँ तक कि ये लोग इस बिल्डिंग को भी गिरा देंगे। दे आर गोइंग टू बिल्ड स्मॉल हाउसेस बाय द स्कोर विदाउट लीविंग स्पेस इवन फॉर अ ब्लेड ऑफ ग्रास, यहाँ पे वो लोग छोटे 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 बहुत सारे घर बनाएंगे और एक घास के तिनके के लिए भी जगह नहीं छोड़ेंगे। देर वॉज मच बसल एंड एक्टिविटी, मच कमिंग एंड गोइंग, एंड विलन रिटायर्ड टू हिज ओल्ड हट, कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिजी रहे, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, और विलन चुपचाप अपने पुरानी झोपड़ी में वापस लौट गया। When he felt tired, he lay down and slept. जब वो थक जाता था तो जाके चुपचाप सो जाया करता था। At other times, he went round the garden and stood gazing at his plants. और बाकी समय में चुपचाप जाके वो अपने पौधों को देखता रहता था, continue. He was given a fortnight's notice. विलन को 15 दिनों का वक्त दिया गया था, fortnight यानी 15 days. Every moment of it seemed to him precious. ऐसा लगता था उन 15 दिनों का एक एक मिनट बहुत कीमती है। And he would have stayed till the last second with his plants, but for the sound of an axe which stirred him out of his afternoon nap 2 days after he was given notice. वो चाहता था कि जितना समय हो सके वो अपने पौधों के साथ गुजार ले, लेकिन 2 ही दिन बाद उसको जब नोटिस दी गई थी 15 दिनों की, उसके 2 ही दिन बाद उसको एक्स की आवाज सुनाई पड़ी, कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी, और
The dull noise of a blade meeting a tough surface reached his ears. जब कुल्हाड़ी का वार पड़ता है पेड़ के ऊपर में, तो जिस तरह से ब्लेड मीट करता है तने को, ट्री को, जब वो साउंड वेलन के कान में गया, ही लेट आउट अ स्क्रीम, ही गॉट अप एंड रश्ड आउट, उठा और दौड़ा, लेट आउट अ स्क्रीम, जोर से चिल्लाया, स्टॉप दैट, रोको, ही टुक अ स्टाफ एंड रश्ड एट दोज हु वर हैकिंग, दौड़ के गया और जो हैक कर रहे थे, कटिंग रफली, जो लोग पेड़ को काट रहे थे, उनको जाके बोला, रोक दो. They easily avoided the blow he aimed. What is the matter? They asked. क्या बात है? जो ट्री कटर्स थे, ट्री फेलर्स थे, उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्यों? Velen wept. Velen रोने लगा. This is my child. I planted it. I saw it grow. I loved it. Don't cut it down. ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको लगाया है, मैंने इसे बढ़ते हुए देखा है, मैं इसे प्यार करता हूँ, इसे मत काटो. बट इज द कंपनीज ऑर्डर, ये तो कंपनी का ऑर्डर है. वॉट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? वी शैल बी डिसमिस्ड इफ वी डोंट ओबे, हमें डिसमिस कर दिया जाएगा, हमें निकाल दिया जाएगा अगर हम बात नहीं मानेंगे. एंड समवन एल्स विल डू इट, कोई दूसरा आदमी आएगा, वो पेड़ को काटेगा. Velen stood thinking for a while and said, थोड़ी देर तक Velen देख के सोचता रहा, फिर बोला, Will you at least do me this good turn? एक छोटा सा काम करोगे मेरे लिए? Give me a little time. थोड़ा सा वक्त दो मेरे को. I'll bundle up my clothes and go away. मैं अपना पूरा कपड़ा का गठरी बांधता हूँ और निकल जाता हूँ. After I'm gone, do what you like. मेरे जाने के बाद आपको जो करना है कर लो. They laid down their axes and waited. उन्होंने अपने axes को रख दिया और इंतजार करने लगे. Presently, Velen came out of his hut with a bundle on his head. Velen अपने सिर पे कपड़े का गठरी लेके बाहर निकला. He looked at the tree cutters and said, उसने उस पेड़ काटने वालों को देखा और बोला, You very kind to an old man. You very kind to wait. आप लोग बहुत दयालु हैं. आपने मेरा इंतजार किया, एक बूढ़े आदमी का इंतजार किया. He looked at the margosa and wiped his eyes. उसने उस नीम के पेड़ को देखा जिसे उसने बड़े प्रेम से लगाया था. Brothers, don't start cutting till I'm really gone far, far away. भाइयों, जब तक मैं बहुत दूर नहीं चला जाऊँ ना, तब तक पेड़ नहीं काटना. The tree cutters squatted on the ground and watched the old man go. Tree cutters जमीन पे बैठ गए और उस बूढ़े आदमी को जाता हुआ देखने लगे. Nearly half an hour later, his voice came from a distance, half indistinctly. लगभग आधे घंटे बाद बड़ी धीमी सी आवाज उस बूढ़े आदमी की सुनाई दी. Don't cut yet. I'm still within hearing. Please wait till I'm gone further. थोड़ा सा और वेट कीजिए, अभी भी मैं सुन सकता हूँ. मुझे थोड़ा और दूर निकल जाने दीजिए, तब इन पौधों को काटिए. सो दिस वॉज योर स्टोरी, द एक्स. Velen, जिसने बड़े प्यार से पौधों को लगाया, अपने बच्चों की तरह से लगाया, उसके पौधे जल्दी से बढ़े, उसके पौधे जल्दी से बड़े हो जाएं, उतनी बड़ी बिल्डिंग के पास में खड़े होने के काबिल हो जाएं. इसलिए उसने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी. खूब खाद डाला, पानी डाला, रूट्स को एयर किया. और अब जब ये मौका आया कि घर बिक गया और कंपनी जिसने उस घर को खरीदा, वो वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे घर बनाना चाह रही थी, तो वो बिजनेस पर्पस पे थी कि हम वहाँ छोटे छोटे फ्लैट्स बना के बहुत सारे लोगों को किराए पे देंगे या बेचेंगे. तो वो नहीं चाहते थे कि उतने बड़े गार्डन को वो रखें. नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने घर को गिराने और पेड़ों को काटने की योजना बना ली. Velen ये सब नहीं देख सकता था, तो Velen रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा दूर निकल जाने दीजिए. और Velen जा रहा है, ये सोचते जा रहा है कि अब उसके पेड़ कटने वाले हैं, तो कम से कम जितनी देर मैं अपने पौधों को जिंदा रख सकूं उतना अच्छा रहेगा. इसलिए Velen स्लोली वहाँ से छोड़ के जा रहा है, लेकिन पेड़ तो कटना है. सो दिस वॉज योर स्टोरी, द एक्स. दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड. थैंक यू.